मुल्ताई पट्टन रोड पर सोयाबीन प्लांट के पास महादेव जत्रा जा रहा जाइलो वाहन पलटा, 7 लोग हुए घायल। नमस्कार मित्रों, मैं हूं तनवीर सिंह सोलंकी और आप देख रहे खोजी खजाना न्यूज। जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि हम आप तक ला सके देश दुनिया की तमाम खबरें। तो आइए शुरू करते हैं, खबर है मुल्ताई से। मुल्ताई पट्टन रोड पर बीती देर रात करीब 11 बजे महादेव जत्रा जा रहे महाराष्ट्र के लोगों से भरा हुआ एक जायलो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सावली बुजुर्ग कारंजा जिला वर्धा से 11 लोग जायलो वाहन से पचमढ़ी महादेव जत्रा जा रहे थे, तभी अचानक मुल्ताई पट्टन रोड पर सोयाबीन प्लांट के पास मोड़ में जायलो वाहन नियंत्रित हो गया और 3 पलटी खाकर पलट गया, जिसमें किशनलाल भाऊराव मुन्नी, स्वप्निल महादेव ढोले, बबन महादेव ढोले, शंकर साहेबराव बोबड़े, धनराज रामराव डोबारे, रूपचंद पूजाजी गायकरे, उमेश श्यामराव गुवाड़े घायल हो गए। सड़क दुर्घटना की सूचना यवतमाल महाराष्ट्र से वापस आ रहे भाजपा युवा मोर्चा मुल्ताई मंडल अध्यक्ष निखिल जैन ने डायल 100 और 108 को दी, जिसके बाद डायल 100 पर तैनात कांस्टेबल दुर्गेश ठाकुर एवं पायलट पंकज डहारे व 108 पर तैनात जितेंद्र पाल मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को उन्होंने तत्काल मुल्ताई अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर मानव ड्रेसर सुरेंद्र लहारिया वार्ड बॉय बदन सिंह एवं नर्सिंग ऑफिसर द्वारा तत्काल सभी का प्राथमिक उपचार कर एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे बैतूल रेफर कर दिया गया है। 7 घायलों में 3 स्वप्निल, शंकर एवं किशनलाल को ज़्यादा गंभीर चोटें आई है। खोजी खजाना न्यूज़, जय हिंद जय भारत।